मजदूर और किसान एकता यात्रा, ठीक है। जब तक हमारे ये तीन काले कानून और हमारी ये सत्ते मंजूर नहीं करते, तब तक हमारा ये धरना ऐसा ही चलता है। मजदूर हर वर्ग का ये आंदोलन है, ये पंजाब से शुरू हुआ लेकिन पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये आंदोलन चल चुका है। अब जितना ज्यादा और लंबा समय ये लगाएंगे, उतना ही आंदोलन और तेज। सरकार ने जो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, सरकार की आंख खोलने के लिए ये काम करना पड़ रहा, जबकि ये सरकार बड़ी है। उस दिन से लेकर आज तक किसान और मजदूर, आम आदमी सड़कों पर ही है, आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की हैं, जहां पर आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, साथ ही साथ पैदल मार्च भी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुरानी अनाज मंडी से ये मार्च निकला है और ये मार्च आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा भी मार्च में शामिल हुआ है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व खाद के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाए, साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाया जाए, तीन कृषि कानून वापस लिए जाए, ये राकेश टिकैत जो ग्रुप है उनकी तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरे बाजार के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है वो निकाला जाएगा और उसके बाद अलग अलग रास्तों से होता हुआ ये मार्च खत्म होगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि पैदल चलकर ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हर दल का नारा है किसान है हमारा, साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाया जाए और तीन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी जिलों पे ये यात्रा जाएगी और सरकार से न्याय मांगा जाएगा। ये आंदोलन कल्ला किसानों का नहीं है, ये किसान मजदूर हर वर्ग का ये आंदोलन है। ये पंजाब से शुरू हुआ लेकिन पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये आंदोलन चल चुका है। और जितना ज्यादा और लंबा समय ये लगाएंगे, उतना ही आंदोलन और तेज होगा। इस आंदोलन का मकसद क्या है और कहां कहां से इसकी शुरुआत? हमारा मकसद यही है कि एमएसपी की गारंटी दो, कानून बनाओ और जो तीनों काले कानून है उनको रद्द किया जाए और जो पेट्रोल डीजल महंगाई इतनी बढ़ रही है उस पर लगाम लगाई जाए। जैसा कि बीजेपी पक्ष में रहकर नंगे होकर प्रदर्शन करती थी बीजेपी के नेता, आज वो रंग बिरंगे सूट पहनकर सब कुछ भूल गए हैं। उनको याद कराने के लिए हमने ये न्याय यात्रा निकाली है और सड़कों पर पूरे रहने में जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो ये यात्रा शुरू हुई है सीएम सिटी से, पुरानी नाना मंडी से, ये हमारी यात्रा है न्याय यात्रा, मजदूर और किसान एकता यात्रा, ठीक है। जब तक हमारे ये तीन काले कानून और हमारी ये सत्ते मंजूर नहीं करते, तब तक हमारा ये धरना ऐसा ही चलता रहेगा। और आज हम कम से कम हजारों की तादाद में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, ये हमारी न्याय यात्रा है और हम जब तक आराम से नहीं बैठेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम संघर्ष करते रहेंगे और हमारा ये निश्चय है कि हमें अपनी डिमांड पूरी करवानी है हर हाल में। ये अभी वो जो हमारी ये सरकार है ना, ये समझ नहीं पा रही है कि किसान किस हद तक गुजर जाएगा। पूरे हरियाणा में जाएंगे क्या? जी, पूरे हरियाणा में जाएगी, पूरे हरियाणा के अंदर ही हमारी ये रैली है और हम सारे हरियाणा में इंद्री हल्का जो भी है निसार पूरे हरियाणा में अब रोक लेना।
जिले भाई, हमारा नाम नीलम राणा है और हम महिला विकी जिला अध्यक्ष है। सरकार ने जो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, सरकार की आंख खोलने के लिए ये काम करना पड़ रहा। जबकि ये सरकार पड़ी है उस दिन से लेकर आज तक किसान और मजदूर आम आदमी सड़कों पर ही है, आप देख रहे हैं। पूरे हरियाणा में जाएगी यात्रा, ये पूरे हरियाणा में, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे हरियाणा में किसान मजदूर यात्रा घूमेगी। आज करनाल है, कल वो कुरुक्षेत्र, ऐसे पूरे हरियाणा में यात्रा होगी। कार्यक्रम है 25 तारीख, वो भी करेंगे, सब कुछ होगा, सारे प्रोग्राम करेंगे। इसका मकसद क्या है, इस यात्रा का प्रभाव पड़ेगा? मकसद ये ही है कि सरकार जागे, जो सोई पड़ी है, जो कुंभकर्णी नींद सरकार सोई पड़ी है, भी जागे, सुने लोगों की। ये लोग बेवकूफ नहीं है जो सड़कों पर घूम रहे हैं, इनका दिमाग खराब नहीं है, ये सब कामी आदमी है, सब व्यस्त है। लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से, मजबूरी में आज लोग, सारा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, सारा सड़कों पर आपके सामने है। तस्वीरें देख सकते हैं जो किसानों की तरफ से मार्च निकाला जा रहा है, उसमें एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये न्याय यात्रा निकाली गई है और पिताजी किसान हैं तो यहाँ पर अपने बेटे को लेकर भी पहुँचे हैं, उनके पिता से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हैं अपने दादा के साथ वो यहाँ पर पहुँचा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप पिता हैं इसके। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे को लेकर भी प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं? बिल्कुल, हम एक किसान पुत्र हैं और हमारा बेटा भी आगे किसान ही है, तो इसके भविष्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार को ये दोबारा बताना चाहते हैं, कभी किसान के उत्साह वैसे का वैसा है जैसे पहले था। अगर सरकार ये सोचती है भाई वो बैठ जाएंगे और दब जाएंगे, ये ऐसा कभी नहीं होगा और ये धरने ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये किसान मजदूर न्याय रैली निकाली गई जो पूरे हरियाणा में निकाली जाएगी, एक एक जिले में करके। तो हमारी सभी से अपील है कि ये हमारे साथ है और यहाँ पे हमारे साथ ऐसे बढ़ चढ़ कर चले। आप पीछे देखेंगे कितना लंबा काफिला है ट्रैक्टरों का, जो एक किसान का हथियार माना गया है, आज भी उसी के साथ हम लगातार यहाँ पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे साथ देखो कितना हुजूम है, मैं अपने बेटे को भी साथ लेके आया हूँ जो हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और ये हमारा भविष्य है और इसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? असं कहना चाहते हैं जी, असं सीएम के शहर बच्चे तो असं उन्होंने भी तू जड़ी खूह नींद सुता है, उठ जाग तो किसानों की गल सुन, नहीं तो तेरे वास्ते बड़ा औखा काम हो जाएगा। खट्टर साहब गूढ़ी नींदरे ना सौ तो किसानों की गल सुन, तो जोड़े तीन बिल ने इन्हों पाड़, तो किसानों का जो भी मसला है हल करके उन्होंने कर कल, नहीं तो ये तेनों गूढ़ी नींदरे सौन नहीं देंगे किसान। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़क पर हैं और आज भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत ग्रुप है उसकी तरफ से ये जो ट्रैक्टर मार्च है और मार्च निकाला जा रहा है, पैदल मार्च। आप देख सकते हैं कि ये मार्च शहर के अलग अलग बाजारों से जाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कुछ किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल मांग यही है कि MSP पर कानून बनाया जाए। हर दल का नारा है किसान हमारा है, साथ ही साथ पूंजीपतियों से यारी, किसानों से नहीं चलेगी गद्दारी। क्या कहना चाहेंगे, आज के प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? देखिए, तीन काले कानून, MSP की गारंटी, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन की ओर से इस किसान मजदूर न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया और यह विभिन्न समय में पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यह यात्रा जाएगी और यह यात्रा सरकार के नाक में दम कर देगी। आज तेल, डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, रसोई गैस तो भाई मचाती इस भाजपा सरकार ने। आज आम आदमी त्राही त्राही कर रहे हैं, जिले से बेजार है,
इस मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को लेकर के भी आज इस यात्रा से सरकार को सचेत किया जाए। दबाव पड़ेगा सरकार पर? पड़ेगा, पड़ेगा क्यों नहीं। जब युवा साथ में लगता है, बड़े बड़े पेड़ भी झुक जाते हैं। आ युवा के कंधों के ऊपर कमान आ गई है। और मोदी साहब, मैं तो उसी दिन ही कहा था आपकी जड़ उखड़ गई है, अब देश छोड़ के भागने वाला है। ये रुपया है, इतना किसान के बच्चों को तंग कर रखा है, तो ये अब जवाब जो ईंट का पत्थर से देने वाले हैं किसान, 300-400 जाने लेकर के तेरा अभी पेट। बातचीत क्यों नहीं हो रही सरकार और किसानों की? बातचीत तो नहीं हो रही आप? बातचीत क्यों करेंगे? जिस दिन कुछ देने ही नहीं, क्यों करेंगे वो बातचीत? वो तो नहीं, किसान को मना कुछ देने ही नहीं। इतने किसान मर गए, 250 किसान मर गए आंदोलन में, और उसने एक दिन भी नहीं कहा भाई मैं, ये दुख की बात है। उसने तो गलत कराया यू, हम तो 2014 से इसके पीछे लग रहे मोदी के। किसान से बात करो, किसान से बात करो। क्यों इन्हें झूठ बोल कर राज लिया? 2014 में जब राज हुए, हम इलेक्शन हुए, इन्हें ये कहा था मैं किसान को लागत का भाव प्लस 50% मुनाफा दूंगा। दबाव पड़ेगा, दबाव बनेगा सरकार पर। हिल गई सरकार, सरकार हिल गई है। दबाव बहुत ज्यादा बनेगा। अब देखो, हमने ये सड़कों के ऊपर किसान मजदूर न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जन जन को पता लगे, जो भी विपक्ष का नेता वाद उठाता है, सरकार अपनी सीबीआई का, ईडी का, पूरे तंत्र का दुरुपयोग करके उनको जेल जाने का काम कर रहे हैं ये सरकार। इसलिए विपक्ष कमजोर है। आज विपक्ष का काम किसान सड़कों पर उतर कर इसलिए कर रहा है, जो किसानों का साथ देता है, चाहे किसान भी आके नेता बनना, उसको उसके ऊपर भी ईडी के केस लगा देते हैं। आप देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा अपने पापा के कंधे पर बैठ कर, और ये जो किसानी का नारा है, किसानी का जो झंडा है, वो लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि बच्चा है, और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और यहाँ पर वो अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ट्रैक्टर मार्च है, काफी लंबा ट्रैक्टर मार्च है। उस ट्रैक्टर मार्च की हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये आगे पैदल मार्च चलता हुआ नजर आ रहा है, और पीछे कितनी लंबी कतार है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो पुरानी अनाज मंडी से निकला है, और पुरानी अनाज मंडी से निकलकर ये ट्रैक्टर मार्च आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर मार्च के जरिए एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि सरकार अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। एक बार काफिले की लाइन दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी है, और ये ट्रैक्टर मार्च करनाल के मेन बाजार से आगे की तरफ जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी कई बार ट्रैक्टर मार्च निकाले गए, रोड जाम किए गए, रेलवे ट्रैक जाम किया गया, बाजार बंद किए गए, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों की बातचीत नहीं हो रही है। और अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर समाधान नहीं निकलेगा। 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। पहले लगातार पंचायतें भी हो रही थी, लेकिन अब ना पंचायत हो रही है और ना ही जो कह सकते हैं हम सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, और किसान यहां पर ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं करनाल के मेन बाजार का है, और ये मेन बाजार से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार ये तस्वीरें हम आपको करनाल के मेन बाजार की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर मार्च, ये ट्रैक्टर का जो है काफिला है, जो बाजार से होता हुआ अलग अलग शहरों के कोनों में जा रहा है, और एक संदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि 2 महीने का समय होने वाला है, बातचीत नहीं हो रही है, और जब तक बातचीत नहीं होगी तो फिर समाधान नहीं निकलेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जो ग्रुप है, उसकी तरफ से आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है, और सरकार को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि
अगर आप नहीं मानेंगे तो हमारी आवाज कम होने वाली नहीं है। सर्दी का मौसम देखा सिंगू बॉर्डर पर, साथ ही साथ बाकी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर, कुंडली बॉर्डर पर, और अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन किसान वहीं पर डटे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के अलग अलग बाजारों से, जहां पर ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से निकाला जा रहा है। ये ट्रैक्टर मार्च भारतीय किसान यूनियन की तरफ से निकाला गया है, जो राकेश टिकैत ग्रुप है, और अलग अलग जगहों पर ये जा रहा है। पहले ही उन्होंने जो किसान मजदूर न्याय यात्रा है उसका ऐलान कर दिया था, उसकी जो शुरुआत हुई है वो करनाल से हुई है, अब अलग अलग शहरों में जाएगी। दबाव बनाने का प्रयास सरकार पर किया जा रहा है, सरकार पर दबाव बनेगा या नहीं बनेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लंबे समय से किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, और जिसके बाद किसान कभी ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, कभी बाजार बंद कर रहे हैं, कभी रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं, कभी हाईवे जाम किया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। और समाधान बातचीत से निकलता है, बातचीत कब होगी इसका इंतजार सरकार को भी है, किसानों को भी है, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, MSP पर कानून बनना चाहिए। राकेश टिकैत अलग अलग हिस्सों में जाकर पंचायत भी कर रहे हैं, सरकार अपनी बात बोल रही है, कह रही है कि ये कृषि कानून किसानों के लिए अच्छे हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और असमंजस की स्थिति तब साफ होगी जब बातचीत होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।